जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अवां खे चऊं था भलीकार। ऐं जीअं ब्रेक ते वञण खां पहिरियां अवां खे ॿुधायोसीं त वापसी ते अची असीं ॿेटनि वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो अॼु जे महिमान शख़्सियत असांखे जॉइन कयो आहे, मुख़्तसिर तारीफ़ ब्रेक खां पहिरियां ई मूं अव्हां खे करायो त ॾिसंदा हलूं त जेकॾहिं पाणी जो मामिलो हुजे स्पेशली या माहिगीरनि जो मामिलो हुजे त उन्हनि जो तमामु स्ट्रांग आवाज़ रहियो आहे सदाई, न रुगो पाकिस्तान जे लेवल ते पर दुनिया भर में माहिगीरनि जे हवाले सां जेकी तनज़ीमूं कमु कनि पियूं थियूं उन्हनि सां हू सलाड़ियल रहनि था। दुनिया में छा पियो थिए उन हवाले सां उन्हनि जी साईं खे तमामु घणी ॼाण आहे। न रुगो माहिगीरनि जा जेके मसला आहिनि उहे, पर उन सां गॾो गॾु माहौलियात जे हवाले सां जेके मसला अचनि था पिया या सिंध में डेवलपमेंट जे नाले ते जेके अहिड़ा मनसूबा शुरू कया विया जंहिंजा असांजे माहौलियात ते माहौल ते असरु पवनि था, उन ते बि साईं जो जेको आहे स्ट्रांग आवाज़ रहे थो, सुठो ॻाल्हाइनि था, उन ते सुठो लिखनि था। सो उन ते ई असीं वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम जा सरबराह आहिनि साईं मोहम्मद अली शाह साहिबु, उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे। सो शाह साहिबु, तमामु घणी महिरबानी अव्हांजी। ऐं हींअर जेको हार्ट इशू हले पियो थो उहो त आहे ॿेट, उनखां सवाइ अव्हांजी हिकिड़ी डिघी जुदोजहद रही आहे। मुख़्तसर टाइम में मिठनि पाणियुनि ते कब्ज़े वारो मामिलो हुजे, इवन रियासती इदारनि सां बि अव्हां टकर में अची था वञो, पोइ जेलनि में बि वञो था, केस बि ठहनि था, हाणे हिन मामले कर खयों आहे। सो हीअ असांजी तव्हां साथी होस्ट आहे तानिया ख़ान, उन्हनि जे ज़हन में बि खोड़ सारा सवाल हूंदा, मुंहिंजा बि हूंदा। सो वेलकम बैक वंस अगेन, अवां असांखे टाइम ॾिनो, थैंक यू सो मच शाह साहब जेको अवां टाइम ॾिनो। ऐं शाह साहब, ही चोथों भेरो जेको आहे ॿेटनि ते कब्ज़ो थी रहियो आहे, ऐं ही बार बार छो पियो थिए हिन ते कब्ज़ो? ॾिसो, हिन में हिकिड़ा मुल्की ऐं बैन अलाक़ामी जेकी पावरफुल एक्टर्स आहिनि, उनमें कारपोरेट सेक्टर बि आहे, मल्टीनेशनल कंपनियूं बि आहिनि, पावरफुल जेके मुल्क बि आहिनि, ॿियो दुनिया में जेके दुनिया भर में अहिड़ा माण्हू इलीट क्लास जा माण्हू आहिनि जिन वटि तमामु घणो पैसो आहे, उहो चाहिनि था त जेको आहे सो असां पंहिंजो पैसे खे अहिड़ी जॻह ते सीड़प करियूं जंहिंमां असांखे वध खां वध इनकम थिए, असांजी जेकी दौलत जेकी आहे उहो वध खां वध घटिजे। त पोइ उहो जेको आहे सो पंहिंजे अहिड़े मुल्क जी रियासत जे हुकमरान सां अप्रोच कनि था, पोइ पंहिंजे मुल्क जे जेको पॉलिसियूं आहिनि उन ते इन्फ्लुएंस कंदा आहिनि, इन क़िस्म जा जेको आहे सो मनसूबा ठाराए पोइ पंहिंजा मफ़ादात हासिलु कनि था, ऐं उन्हनि मफ़ादनि मां हिते जे जेको हुकमरान तबिको आहे उनखे बि हुन मुंहिंजा हिसो पती मिले थो। इन करे दुनिया भर में इन क़िस्म जा जेके बि मनसूबा आहिनि उनमें उनजे पोयां जेको आहे उहो आवाम न हूंदी आहे, माण्हू न हूंदा आहिनि, इन्वायरमेंट न हूंदी आहे, उहो सिर्फ़ु उनजो वन एजेंडा आहे के वध खां वध पैसो कमाइजे, पैसो गॾु कजे। साॻी तरीक़े सां अवां ॾिसो पिया त हिन मुल्क जे अंदरि चार सूबा आहिनि, चई सूबनि मां ॿिनि सूबनि समुंड आहे, सिंध ऐं बलूचिस्तान जी। त सिंध ऐं बलूचिस्तान ॿिन्ही सूबनि में जे समुंड में ॿेट आहिनि, पर बलूचिस्तान जे कोस्ट में या साहिल ते जेका ॿेट तमामु थोरा आहिनि, ना उणे बराबरि आहिनि। सिंध में जेको आहे 300 खां मथे नंढा वॾा ॿेट आहिनि, माना कराची खां वठी जेकी वाड़ी क्रीक शाहबंदर ताईं जेको आहे सो अव्हां खे ॿेट मिलंदा। हिकिड़ा ॿेट अहिड़ा आहिनि जिते पंहिंजी इंसानी आबादी रहे थी, तव्हां शम्सपीर हलिया वञो, बाबे पिट हलिया वञो, डिंगी बुनार ते माज़ी में माण्हू रहंदा हुआ, हाणे उते सीज़नल लेवल ते रहनि था। वरी अचो था तव्हां जेको आहे सो केटी बंदर खां वठी शाह बंदर ताईं जेकी ॿेट आहिनि उते बि जेको आहे सो मक़ामी माण्हू रहनि था, माहिगीर उते रहनि था सदियुनि खां। शाह साहब, जेको ही ॿेटनि जे मथां अगरि शहर आबाद थी वञे त माहिगीरनि खे केतिरो नुक़सानु थी सघे थो? उन्हनि जी जेको आहे कमाइण जो सिलसिलो त बंदि थी वेंदो, पर हिन खां अलावा छा नुक़सानु थी सघे थो? ॾिसो त जॾहिं मूं ॻाल्हि कई ॿेटनि जी त 300 खां मथे नंढा वॾा ॿेट आहिनि, इहे ॿेट माज़ीअ में समुंड जो हिसो न हुआ, सही, ऐं इन्हनि ॿेटनि खे दरिया पंहिंजे वेकिरे सां गॾु जेके सिल्ट आणींदो हुओ, हर साल 400 मिलियन टन जेकी सिल्ट आणींदो हुओ, उन सिल्ट जेको आहे इहे ॿेट तख़ली कया आहिनि, ऐं हिन वक़्तु इहे ॿेट जेके आहिनि उहो इंडस डेल्टा जो पार्ट आहिनि, जो हिसो आहिनि।
ये जी क्रीक्स इतने मौजूद वो दरअसल दरिया जो छाड़ू हुई जैसे जरिए दरिया जो पानी समुंड में जो वो हो समुंड के पुते दिखी हो हाँ जी तो दरिया जो पानी जो है वो खत्म थी वो है डैमन के पोया कैद थी चुको है इन कर इन क्रीक्स में जो है वो हाँ समुंड जो पानी अची वो इन कर सब बेट जो समुंड जो हिस्सों थी चुका ये बेट जो बुनियादी तौर जो है फिशिंग ग्राउंड्स मच्छी जो नर्सरी भी इन आसपास जी तिमर जहाँ बेला वो भी मछी जो नर्सरी इन सा गड तिमर जहाँ बेला खुद बेट क्रीक जी ये कुदरती आफतन का इंसानी आबादी के बचाण के लिए एक सेफ गार्ड जो कम था दिन जर इन बेटन से शहर ठया तो सिंध के कोस्टल एरिया में 25 लख माइगिर इन बेटन से इन क्रीक्स से इन क्रीक्स के जरिए समुंड में वन उन रोजगार हासिल कन था तो ये 25 लख माणा पैं तारीख रोजगार में बेदखल थी वा इन अलावा ये बेटन के आसपास जी भी क्रीक्स हैं ये क्रीक्स माइग्रेंट जो गुजरगाहों भी एक बेट का बे बेट से वन ये क्रीक्स इस्तेमाल कई व्यन असा कैटी बंदर वन हो इन क्रीक्स में गुजरी वी असें जरंगी अस फिटी क्री भुंडार बेट से वनो पव वन असंगी क्रीक जो रस्त इख्तियार करो पव तो ये गुजरगाहों भी खुद उन समुंड में जैसे माइग्र वा फिशिंग के लिए तो इन क्रीक्स के जरिए इन बेटन के आसपास जी क्रीक्स हैं उन गुजरगान का जो सो उन्हें समझ में सही सही शाहब मुझो भी सवाल थे तो अच्छा थी हाँ अवां बुधाय पिया जाहिर है या तारीख भी है तिन बेटन के सिंधु दरिया जन्म दिनो जका सिल्ट मिट्टी उ खणी आने पर हाने असि दिसुदा पान जका लीज ते भुट्टे साहब जमीन इने केपीटी के हाने केपीटी जे वजीर अची जके हाने दावा सेदी साहब वा दावा दकन ई बेट जको केपीटी जो हिस्सो है वरी गडो गडो हु सूबा हुकूमत का एनओसी भी वठंदा जेकरे भई केपीटी जो हिस्सो है एनओसी छोटा वठो ए वाकई ई बेट जके उनन जा या ये कब्जो ऑलरेडी या एकड़ी कब्जा माफिया है खणी चों माजी में कराची पोर्ट के पोर्ट जे पर्पस ला करे जमीन दिनी वई या समुंड जी जकी क्रीक्स हैं वो उन्हें दिनी वही वो सिर्फ ए सिर्फ जो सो पोर्ट के पर्पज ला कर शिप इंद शिप वेंदूँ जो अड़े तरीके से पोर्ट कासम के भी पर बिन्न जी पोर्ट जी पोर्ट कासम हो या कैपीटी हो बिन्न जो सो जी पोर्ट के पर्पज का अलावा जी जमीन है समुंड की क्रीक्स है उन्होंने जो सो इलीगल तरीके से गैर आइनी तरीके से कब्जा कया ऐसो इन बेटन से रुगो माइग्र आबाद ना पर तारीखी तौर ये असाजा तारीखी विरसो भी है इतने तारीखी शहर भी हुआ तक रत्तोकोट जाकी बंदर सोखी बंदर केटी बंदर तो इन भी असों तारीखी वरसो है असाजा हेरिटेज है दुनिया में अजकल जो हेरिटेज तारीखी विरसन के प्रोटेक्ट किया वो है पर असाजे मुल्क में जो तारीखी विरसन के तबाह किया वो तो इन वक्त भी पोर्ट कासम जहाँ अलाई बेटन से इलीगल कब्जा है शाह हसन जो बेट है रत्तोकोट है जाकी बंदर है इन कब्जा है पर अफसोस से तो चवण पे चाहे केपीटी जहाँ कब्जा होजन या पोर्ट कसम जहाँ कब्जा होजन सिंध हुकूमत इन सो ये जमीन डिनी है अलर्ट कई है पर उन पोर्ट के पर्पज ला कर मखसूस जमीन डी वे उन अजाफी जमीन बेटन से कब्जो किया पर अफसोस से चवण पे सिंध हुकूमत कदें भी जो इन कब्जन के खिलाफ कदम कानूनी नोटिस न वरतो आ कानूनी एक्शन न कयो आ जेंजे करे जको हे मनमस थी वेन आज जको सो यो अली जदी दावा तो करे तो हे जको सो बेट पोर्ट कासम जी मलकियत आ केपीटी जी मलकियत आ यो बिल्कुल जको सो इन जा जके भी कब्जा आ ओ जेकर कानूनी तरीके से उन के दिसबो आईनी तरीके से दिसबो तो गैर कानूनी निकरना बिल्कुल अच्छा शाह साहब जेकी आवाज जी हन सिंध सा समरी आवाम से जेकी मोहब्बत आए ओ त असा के नजर अचे थी पर हन जे सिंध में असी जाया आयो हन जी एक वडी पार्टी आ पीपल्स पार्टी उन्हें तमा जी हेल्प केतरी कई हन में सो हकीकत रियलिस्टिक थेने जो जरूरत है त छो ता बेटन ते जी भालार है ना वफाक जी वो 2000 का शुरू थी हुई सही बाकायदा जो सो 2006 में छो तो 2000 में भी जनरल परवेज मुशर्रफ जी हुकूमत हुई 2006 में भी उनकी हुई त 2006 में उन बाकायदा अमार कंपनी दबई जी छो तो अमार कंपनी दबई जी किंग जी कंपनी है
तो उनके बिन बेटन जा जे जाड़ा बेट आन डिंगी बूंदा उन 12,000 एकड़ जमीन जो उनके अलाट कई उन एग्रीमेंट सिंधु हुकूमत यह जमीन न डी उन एग्रीमेंट या उन जमीन जी है पोर्ट कासम जो बल्कि वायदो थो पोर्ट कासम ए अमार कंपनी जो थो मन 15% जो सो पोर्ट कासम जो हिस्सो हों 85% जो है अमार जो हिस्सो हों में सिंध है को सिंध हुकूमत उनमें आए को उन वक्त जो वजीर आला अरबा रही उन तो भाई असा एतमाद में न वरतो वह शौकत अर्जी उनके दबरार कर हमारा खामोश थी चुप थी वो अड़े तरीके से अज भी सागे सूरत हाल है उन वक्त असि तमाम वही जिदोजिद हुई अव सभी खबर अवं भी उनका हिस्सों रहा आयो उन जिदोजिद का मजामत का हलंदड़ कम जो है उनको स्ट्रक्चर भी उत काफ़ी उत पची चुको हो पर पाँ जिदोजिद जरिए अमार कंपनी के शिकस्त नहीं से हलया गया वरी 2013 में मलक रियाज एक अमरीकी की जो कंपनी खड़ी आयो उन सेफ आइलैंड सिटी से ठही तो 2006 का वी में भी पीपल्स पार्टी जो को रोल ना हो 2013 में तो खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई उन्होंने जो सो उनके वायदो तो उन पॉडकास्ट पर उन्हें एक्शन न वरतो उनते नोटिस जो सो हियर भी सॉरी मन गाल दे हियर भी तीन थो ना एनओसी दे छियो खबर ही कोन भाई जरे सख्त रदे मलायो पोचन से एनओसी वापस ता वठो रुगो एनओसी वापस वठन सही ऑर्डिनेंस ऑलरेडी उन पंज जगह ते मौजूद है असा के अफसोस से चवणो पे तो भाई 3 तारीख ते फेडरल गवर्नमेंट लेटर मोकलियो ऑर्डिनेंस जारी थियो है 3 तारीख ते लेटर मोकलियो है 6 तारीख ते उन्होंने एनओसी देई छियो माने उन देरी न के जो तैयार था बैठा हुआ और ऑर्डिनेंस खान पेरी जो है हनन जो इमरान खान जो है पान मीडिया से ऐलान करो तो भाई असा बेटन से शेयर हरियो ठीक है ना उनका पोए जो सो उन पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ठाण जो ऐलान कर उनके उन सो ला डिवीजन भी मोकले छो हाँ उन्होंने दिखो तो भाई जो कानूनी तरीको है आइनी तरीको है तो उनके असेंबली में पेश करो हाँ तो भाई असेंबली में पेश कर डिले थी वे या को बहस शुरू थी वे उन्होंने जो अखियों रखे रात विच में खामोशी से 2 सेप्टेंबर जो उन्होंने ऑर्डिनेंस सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर छो महीने का पुठियों जाहिर थे ऑर्डिनेंस मान महीनों खामोशी से रखा वेटा हुआ पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ठहण का वी ऑर्डिनेंस जारी थे खामोश जैसे जो सो आवाम जो रद्देमल जैसे सामूँ आयो सजी सिंध जो है उन बेटन से शेर अड़न के खिलाफ बेटन से वालार के खिलाफ जैसे सो मैदान में आया तो वो प्रेशर जो है जो सिंध हुकूमत रिवर्स थी सही अच्छा ब्रेक जो वक्त भी थे पो बया भी खोड़ सारा है खास तौर हाँ फोकस हों जुदोजहद जो इंद डी में अवे भी ऐलानल है मुख्तलिफ़ पार्टी के भी उन नाजिन गाल बोल कहीं ब्रेक जो वापस मोटी रहो वेलकम बैक नाजरे एक दफा बीहर तव सभी के भलीकार चौंता था मॉर्निंग ऑफ धरती में जैसे हाँ असें शो के ज्वाइन किया है उनके बुधाइंदे हल तो असि के टॉपिक के बाबत गालों पा जो तो कुछ ढी पैर वफाक पारा सदारती ऑर्डिनेंस जारी थो तो सिंध के बेटन के बैरूनी कंपनियों के दियण जो फैसलो किया वो उन सिंध के सिंधी सिंध की आवाम सिंध की पार्टी एहतजाज किया तारीख हलान बेट मथा कब्जो हटाने लाइ 5 रुकनी कमेटी ठाई वही उनकी जदोजहद जारी है असा गुड जो मेहमान हैं उन तारीफ़ एक दफ़ा बीहर कराई हला तो मोहम्मद शाह साहब जी चेयरमैन फिशर फॉर फोरम जी शाह साहब पा गए पे वक्त बेट बेटन शहर माहौलियात असर केतरा मुहाना मुतासर थींदा पीपल्स पार्टी जो रोल वफाकी हुकूमत जो ऑलरेडी हाँ जो अचूँ तो ये सिंध दोस्त धुरियों उनको एहतजाज हल पो हर को पांजे लेखे करे पे पर ठीक है सिंध का काज हिकड़ो ही है सो अवां भी कुछ डी पहिरिया जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई प्रेस रिलीज जारी कई सो अवां पहिरे पांजी हिकमत अमली हवाले से बुधायो तो रैली भी कढ़ो पाया बेड़ी तां भंडार बेट ताई उनका सवाई ठटे में भी रैली थी शायद ठटे का कराची ताई मार्च थी गवर्नर हाउस आरो धरणो लगन सो असाई नाजरीन के जिक्रे बुधाइंदा
जी बिल्कुल छो तो फिशर फोरम 2006 में जैसे बेटन ते शेयर अडन जो मनसूबो जैसे सामूँ आयो तो सब का पेरी जो फिशर फोरम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिदो जिदो ऐलान कयो 2006 में आ के बिल्कुल बुधाय तो 2006 में बेटन ते शेयर अडन जो कौमी मसलो न हो वो सभी सिंध के मान सिंध के पार्टी समझो तो यो माइग्रेंट जो मसलो आ पर फिशर फोरम पांजी जिदोजहद के जरिए इन के कौमी मसलो ठायो तो ये सिर्फ माइग्रेंट जो मसलो ना है ये सिंध जो कौमी मसलो है उनका पोए असा जो सो सभी सिंध सियासी पार्टी के अगवाणन के कौम पर्सन अगवाणन के जैमें उन 2006 में जो सो रसूल रशपली जो कादर मक्सी डॉक्टर कादर मक्सी बशीर खान कुरैशी खालिद महमूद सुमरो ये सब जी सिंध जलाल महमूद शाह सिंध जहाँ वा कॉम्रेस पार्टी जो अगवाण सिविल सोसाइटी सब गड़ी असो कंसल्टेशन मीटिंग कई जिदोजहद ऐलान कयासी अस इन सभी के अवा के याद हों खुद में मौजूद हुआ तेड़ी रैली खड़ी उत वी उत मुजाहरों कोसी विजिट के उत ही सो बेट के वारी से वही पा जो मीटिंग वफाक के इन अमल के खिलाफ जो सो पा जिदोजहद जो ऐलान कयासी अजम कयासी तो ये जिदोजहद अस उन वक्त जारी रखा जैस तीन बेट जो उनका वफाक जो है कब्जो खत्म न अड़े तरीके से जैसे इमरान खान के दौर में भी इन वक्त भी जो बेटन से पैं तो हुआ बिन बेटन से हाँ तो भाई जो उनका खतरनाक जो हाँ तो भाई हाँ तो वन यूनिट का भी खतरनाक जो फैसलो थो है तो भाई सिंध ए बलोचिस्तान के समूर बेटन से जो सो शेयर अडींदा माना ये सिंध बलोचिस्तान के बेटन से इनकी वालार है इनके खिलाफ जो अस सब का पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कईसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंसल्टेशन मीटिंग घुराईसी उनमें जो सो भी सब सिंध या कॉम्रेस अगवाण उनमें खुद पीपल्स पार्टी जहाँ भी अगवा डॉक्टर करीम ख्वाजा वो पा उनमें मौजूद हो सिविल सोसाइटी हुई मीडिया साफी दोस्त हुआ अदीब हुआ दानिशवरा सब उनमें तो उतने सभी माइग्रेंट जहाँ नुमाइंदा हुआ उतने सभी गो फैसलो कियासी तो भाई बाकायदा जिदोजहद हलन खपे मजामती तहरीक हलन खपे इन कोऑर्डिनेशन कमेटी ठही कोऑर्डिनेशन कमेटी ये बड़ी पे मीटिंग थी उनमें असो फैसलो कियासी तो हाँ जो अस इन बेटन ते वालार के खिलाफ बेटन ते शेर अडन के खिलाफ अस बाकायदा तैरी कलाइंदी इन सिलसिले में अज असो पेरियो माइग्रेंट जो इजलास इब्राहिम हैदरी में रखी रहा 15 तारीख ते अस सो बेड़ी की रैली जैमें अस कॉम्रेस पार्टी जहाँ अगवाण हूँ सिविल सोसाइटी होंगी अदीब हूँ दानिश्वर हूँ सभी के असो उन माहिगीर उन बेड़ी की रैली कड़ी अस उत बेटन से वेंदी उत असो एतजाजी जलसो कदी सो यो एत कंदासी ता असा पांजी जिदोजहद के उन वक्त ही जारी रखनासी जेस ताई जो कादो हफाई हुकूमत यो फैसलो वापस नथी वठे सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी इन जिदोजहद में कुले कुले में मिलाए असा गड नथी बिहे तेस ताई जो कादो असा पांजी जिदोजहद के जारी रखनासी असा यो भी मुतालबो कयासी ते सिंध असेंबली जो फौरन इजलास घुराए वने उनमें जो सो इन मनसूबे के खिलाफ जो सो करारदाद जो सो मंजूर कई वे ये जो गैर आइनी अमल आए असी समझो था ये सिंध के वहदत जो हमलो है माइग्रेंट जे रोजगार से हमलो है समुंड से हमलो है डेल्टा से हमलो है तो इन के खिलाफ जो सो सिंध असेंबली बाकायदा एक छेरा पास किया वे हुकूमत वफाकी हुकूमत का मुतालबो किया वे तो ये मनसूबो जो वापस वे बिल्कुल शाह साहब इन कौम से वही ना इंसाफी थी थे तमाजे सामो जी सर तमाजे सवाल हो तो बलोचिस्तान की कयादत जाहिर है सिंध ने बलोचिस्तान की साहली पट्टी के हवाले से याडी नंसा है तो बलोचिस्तान में इतनी मजामत तवा के नजर अचे या उतां जो केड़ी पार्टियों अवा से राबते में होजन या गडल तौर ते का तहरीक हलाजे तो उनन जो केतरो रोल है छो तो अस इन गाल में यकीन था रखू तो इन वक्त ही बिन्हीं सूबन जो मसलो है बिन्हीं सूबन जी जो कोस्टल एरिया के मानून जो मसलो है माइग्रेंट जो मसलो है बलोचिस्तान के माइग्रेंट से असो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है छो तो बलोचिस्तान में भी फिशर फोरम उत मौजूद है ग्वादर में उत मौजूद है जीवणी में उत मौजूद है
जैसे असं ये कंसल्टेशन मीटिंग कई सी तो अस बलोचिस्तान के सियासतदान से मुँह राबते कर तमाम घनी कोशिश कई सी मुझे राबो न थी सको तो करामत के करामत भी कोशिश कई और डॉक्टर मालिक से उनको राबो थी वो डॉक्टर मालिक जो है वो असाज जिदोजिद हिमायत कई पर उन जैसे असि कंसल्टेशन मीटिंग उनकी कोयटा में मीटिंग रखी हुई जो उनको गडियल सियासतदान जलसो उन सिलसिले में तो इनकर वो अची न सको बाकी उन भाई आजी जका भी जिदोजिद है उनमें बलोचिस्तान जी भी कॉम्पर्स दूरी हैं वो अवं गड होंद यो मसलो सिर्फ सिंध जो ना है ये बलोचिस्तान जो भी जो मसलो है अवं दिखो उन स्टेटमेंट भी जो कुछ ढी पे सो अची चुको है इन कर उम्मीद है तो बलोचिस्तान जहाँ माहिगीर भी असा सा गजी ए बलोचिस्तान जो कॉम्पर्स अगुवाणा सियासतदान वो भी गजी असा सो इन जिदोजिद शाह साहब तुम इतनी जद्दोजहद कर रहा हो वफाक ते हिन जो को असर थींदो हिन मल ताई त ना आए थियो तमा जे सामने असर थियो है ये ना सो असर थियो इन जे करे जो को हाणे हो पजे बयान के तब्दील जो कल जी गिनजी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ उन में उनन जो को सिंध हुकूमत ते हथ रखण जी कोशिश कई है तो बाबा जो को इन में जकी भी आमदनी थींदी वो सिंध हुकूमत के सा सिंध के दीदा सी उन में 1.5 लाख जो को जॉब्स क्रिएट थींदी इन में हेरी वेरी तरक्की थी इन कर बेट जो इस्लामाबाद को खड़ी वासी ये सिंध जहा सिंध जहा रहा तो यो इन जो बयान की तब्दीली जी है यो प्रेशर है यो जिदोजहद जो प्रेशर है जी 2006 में हथ खी वह तीन इन वक्त भी जो अस साबित कदमी से असो मजामती तेरी खलाइंदी वफा का यो फैसलो जो है वो वापस वाइंदी इन कर अस चाहूँ ता छो तो ये असल मलकियत माइग्रन की है इन जहाँ वारस जहाँ मालिक असल माइग्रन जैसी जै बेट जो माइग्रन की रोजी जो प्याल है बिल्कुल असा कतई न चाहिंदी तो जो बेटन से वफाक तो पर अस सिंध हुकूमत के भी इजाज़ न दींदी तो इतने जो शेर डे अस चाहूँ था हे कुदरती तौर जी इन बीहक है इनके इन ही तरीके से रहन दिनो वे इन में कें किस्म की इंसानी मदाखलत न कई वे यो ही असो फैसलो है यो ही अस यही असो मुतालबो है सिंध हुकूमत के भी कदें भी ये न सोचण खे तो जो वफाक के करें सिंध हुकूमत के हवा कर छी सो मनसूबो तो असी शेर नींदी तो अस उन इजाजत न अच्छा शाह साहब हाँ इनमें जो मामलो अचे तो वो यो ही तो जाहिर है सिंध हुकूमत के भी जाहिर उनके मालिक हैं वे कुछ धुरियों वाली जी अवं रोडन से अची एहतजाज कर सिंधी नौजवान क्यादत वो रोल प्ले क्या ट्विटर हो जाए फेसबुक हो जाए सोशल मीडिया जो भी वो रोल है मानन के मोबिलाइज करण में उ भी रोल प्ले कन पा था सो कुछ धुरियों वे जो कोर्टन में व्यू हैं उनके किए पे ऐसो जाहिर है कें भी असें उन नियत शक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म आज पर इन मौके से कोर्टन में वन वो जो डिसीशन है अस कंसल्टेशन मीटिंग में यो फैसलो थो कोर्ट में वन की जल्दबाजी न कजे फोकस कज मजामती तहरीक से बाहर मैदान में हो उन जरूरत पे तो भी सलाह मसलत कर कोर्ट में वन की जरूरत है असि जी भी दोस्त जो वीन कोर्ट में असि मुखालत था कर एप्रिशिएट था कर पर उन दोस्त जो कुछ जल्दबाजी जरूर कई है उन्होंने जो असा छो तो मेन स्टेकहोल्डर असि हि रुगो सिंध की वैदत जो मसलो ना है असाजे रोजगार जो मसलो है 25 लाख मान जे रोजगार जो मसलो है इन करे असी जो कासो मेन स्टेक होल्डर सयूं का भी दुर अगर कोर्ट में वने थी तो वो घट में घट असा जो कासो मशवरो करे पोए जो कासो गडियल तरीके सा उन उनमें कोर्ट में वने जी जरूरत है छो तो असा के खर्चो है सुभाने जो करे कोर्ट असाजे खिलाफ फैसलो दई छे तो जो कहें इन सिलसिले में अस सुबाने सैटरडे 5 लगे अस वकील की मीटिंग घुराई है उन वकील से वही अस मशवरो कहीं तो बाबा जो सो कोर्ट में वन की जरूरत आए या ना जर आए तो कदें जो सो वन खे जी दोस्त वह उन्होंने भी असि तो असि मीटिंग के जो
ज्वाइन करियो। थैंक यू सो मच। अच्छा आखिरी मुझे सवाल है, अवा जका ठटे खन कराची ते रैली कढना है गवर्नर हाउस र धरनो उआ कदे बके ओ सा नाजरी खबर मानु मोबिलाइज हो जंदे ही कुछ ठण वने पे। असल में असा प्लान हिया तो भई 15 तारीख का पोए जको है असा सिंध ये समूरन जिलन में दौरा कंदासी उते इत्तेजाजी मुजाहरा कंदासी पंजो प्रोग्राम कंदासी ई असी 16 तारीख का जको असी निकरू पया ठटरो बदीन हैदराबाद सांगर ता थी जने असा यो फेज मुकम्मल कंदासी उनका पोए असा जो प्लान ई आ है त असी समझो इब्राहिम एदरी जो जो सामूरी किनारो है वो डिंगी भुंडार जो ही किनारो है उनके असी यो किनारो जो तस्वर करियो था तो जरे दरिया जो पानी ता वेंदो हो तरे हीर ई जकी कोरंगी क्रीक है को समुंड जो शेप दे थी ते एडो तमाम नंडड़ो छोड़ी जो का है नेरो क्रीक हुई थी तो हाने असा जो को इन इब्राहिम एदरी जे किनारे खा जो को असा पैदल मार्च जो आ सो शुरू कंदासी जो को पैदल मार्च जो है वो घर हाउस ताई वनी खत्म थिदो उते असी जो सो धरनो दिंदासी इन मंसूबे के खिलाफ। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच शाह साहब, तमाम जी तमाम घणी मेहरबानी। ही जद्दोजहद के यही जारी रख जो छो ता बेटन मथा आर्डिनेंस जारी थी सके तो सुभाने सिंध मथा भी आर्डिनेंस जारी थी सके तो ये ना हो जे ता पाकिस्तान जे नक्शे में सिंध नजर ही ना आचे। सो ही जद्दोजहद जारी रख जो छो ता ही जो बेटन ते शहर आर्डिनेंस जो मतलब ही है सिंध जे नक्शे जो उनमें। बिल्कुल आखिरी गाल जरूर कस तो मुख्य याद आ तो 2006 में जैसे बेटन द शेयर अर्जुन के खिलाफ अस तहरीक शुरू कई उन वक्त नालो नो हो तारीख खबर न पर अखबार में पढ़ियम तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो स्टेटमेंट दिनों तो इन मुल्क के पाकिस्तान के कोस्टल एरिया तो मुश्तमल सूबो होने खे जबरदस्त गाल आई वो आई तो सिंध की बका जो मसलो है सिंध की वहदत जो मसलो आ मानन जो मसलो आ जाहिर धरती है सब असी आयूं। सो जबरदस्त शाह साहब की जदोजहद है समूर धुरियों जे भी मामले में स्ट्रगल कन थी असान उन्होंने सलाम ए जितनी सपोर्ट थी सके थी असी उन्होंने गड आयूं। शाह साहब वंस अगेन तमाम घनी मेहरबानी में टाइम नो इतने वासी नाजरीन मुख्तसर ब्रेक ब्रेक का भी गाल बोल जो सिलसिलो जारी रहा।